स्टूडेंट्स हम इस मेड्यूल में बात करेंगे क्राइटेरियन वैलिडिटी और उसकी टाइप्स की क्राइटेरियन वैलिडिटी को अगर हम आ, इसके बारे में बात करें तो इट्स अ मेजरमेंट वैलिडिटी दैट रिलाइज ऑन सम इंडिपेंडेंट आउटसाइड वेरिफिकेशन और इसकी दो टाइप्स हैं कॉन्करेंट और प्रेडिक्टिव वैलिडिटी लेट्स कॉन्करेंट वैलिडिटी फर्स्ट इट्स अ टाइप ऑफ मेजरमेंट वैलिडिटी दैट रिलाइज ऑन अ प्री एग्जिस्टिंग एंड ऑलरेडी एक्सेप्टड मैर टू वेरीफाई द इंडिकेटर ऑफ आ कॉन्स्ट्रक्ट फॉर इंस्टेंस आपने आई क्यू या इंटेलिजेंस मैयर करनी है आ, जो है रेस्पोंडेंट्स की तो उसके लिए आपने एक स्केल डिवेलप किया है और आपके पास एक ऑलरेडी आई क्यू स्केल भी है आप जो है कॉन्करेंट वैलिडिटी कैसे चेक करेंगे आप रेस्पॉन्डेंट से न्यू स्केल पर भी डाटा लेंगे और जो कन्वेंशनल स्केल ऑलरेडी डेवेलप ट्रेडिशनल स्केल है उसके ऊपर भी डेटा लेंगे और फिर देखेंगे कि क्या इन दोनों स्केल्स के दरमियान हाई कोर रिलेशन है अगर तो इन दोनों के दरम्यान हाई कोर रिलेशन है तो हम ये कहेंगे कि उसकी कॉन्करेंट वैलिडिटी हाई है और अगर इन दोनों के दरमियान हाई कोर रिलेशन नहीं है तो हम ये कहेंगे कि इनकी कॉन्करेंट वैलिडिटी जो है वो लो है प्रिडिक्टि वैलिडिटी इज अ टाइप ऑफ मेजरमेंट वैलिडिटी दैट रिलाईज ऑन द अक्रेंस ऑफ अ फ्यूचर इवेंट और बिहेवियर दैट इज़ लॉजिकली कंसिस्टेंट टू वेरीफाई द इंडिकेटर ऑफ अ कॉन्सट्रैक्ट यानी आप अपने आप कॉन्स्ट्रैक्ट की बेस पे देख रहे हैं कि ये कॉन्स्ट्रैक्ट क्या जो रिस्पोंडेंट है उसका फ्यूचर बिहेवियर क्या प्रोडिक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है इसको मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ समझाने के लिए ग्रेजुएट असमेंट टेस्ट की जैसे कि आप जब अंडर कर, कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद एम फिल एडमिशन के लिए यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए एम फिल एंड पी एच डी में एडमिशन के लिए एक गैड टेस्ट होता है जिसको ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट कहते हैं अगर आपका उसमें ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट में स्कोर हाई है, है तो ये अज्यूम किया जाता है कि आप यू शुड बी अ गुड स्टूडेंट फॉर द एम फिल एंड पी एच डी और अगर उसमें आपका ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट में स्कोर एवरेज है तो ये अज्यूम किया जाता है कि यू शुड बी नॉट बी अ गुड स्टूडेंट फॉर एम फिल एंड पी एच डी स्टडीज़ और अगर आप उस ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट को पास नहीं कर सकते तो यू आर नॉट कंसिडर्ड फॉर द एम फिल एन पी एच डी एडमिशन क्योंकि वो बेसिक क्राइटेरिया है एम फिल एन पी एच डी एडमिशन में कि आप वो गैट टेस्ट पास करें इसी तरह अगर आप बाहर देखें तो जब आप अप्लाई करते हैं तो आपसे इंग्लिश आपकी स्पोकन चेक करने के लिए और आपकी इंग्लिश एबिलिटी को चेक करने के लिए आयल्स का टेस्ट कंडक्ट किया जाता है वो क्या बता रहा होता है कि आप कितने फ्रीक्वेंटली इंग्लिश बोल सकते हैं बाहर अब्रॉड जाकर तो अगर आयल्स का स्कोर हाई होगा तो पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग वीज़ा हाई हो जाती हैं और अगर आपका आयस आयल्स का स्कोर लो होगा तो पॉसिबिलिटी ऑफ़ गेटिंग वीज़ा लो हो जाती है और अगर आप आयल्स पास नहीं कर पाते तो आपको वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो आप सबमिट नहीं कर सकते तो इस तरह से ये आपका फ्यूचर प्रोडक्ट कर रहा होता है फ्यूचर बिहेवियर प्रोडिक्ट कर रहा होता है तो प्रोडक्टिव वैलिडिटी में हम एक्चुअली ये चीज़ चेक करते हैं तो यानी एक कॉन्स्ट्रक्ट के लिए हमने एक जो मैयर बनाया है हम उस मैयर को एग्जिस्टिंग मैयर के साथ जब चेक करते हैं और अगर रिजल्ट सिमिलर हैं तो हम ये कहते हैं कि कॉन्करेंट वैलिडिटी हाई है और इनके दरम्यान अगर कोर रिलेशन ज़्यादा है तो हम कहते हैं कॉन्करेंट वैलिडिटी जो है उसकी हाई है और दूसरी तरफ हम उसी मैयर से फ्यूचर बिहेवियर को प्रोडिक्ट कर रहे होते हैं तो इसको हम प्रेडिक्टिव वैलिडिटी कहते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर किसी को जो है सोशल मीडिया एडिक्शन है तो उसको हो सकता है वो डिप्रेशन एंजाइटी एंड स्ट्रेस का भी शिकार हो तो हम सोशल मीडिया एडिक्शन के थ्रू प्रडिक्ट कर सकते हैं उसकी मेंटल हेल्थ को भी तो ये एक तरह से उसका प्रोडक्टिव टेस्ट होगा सोशल मीडिया एडिक्शन का तो इस मड्यूल में हमने देखा कि जो आपका क्राइटेरियन वैलिडिटी है उसमें जो आपकी प्रेडिक्टिव और कॉन्ट्रेंट वैलिडिटी क्या है